ना पूरा खत्म कर लिया है देखें, और शायद इनको पानी की प्यास लगी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम, आज ट्यूसडे है, यूएसए में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है, तो उसकी वजह से जो है वो छुट्टियां चल रही हैं, तो आज वहाँ पे ऑफ था, तो मुझे ऑफिस से भी ऑफ था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा नींद पूरी करके फिर अपने सेटअप पे आया जाए और इन सबके साथ जो है मौज मस्ती की जाए। चलें, सबसे पहले अभी आपने देखा ही होगा कि वो मोहल्लेदारों की मुर्गियाँ जो हैं वो आई हुई हैं, ये देखें ये बैठी हुई है और बाकी सारी नीचे हैं, तो ये मेरा ही वेट कर रही है शायद दाने का, ये देखें। तो सबसे पहले इनको ला के दाना डालते हैं इनका, तो दाना इनका मैं ले आया हूँ। दाना वो जुगाड़ वाला तो ख़राब हो गया था, तो मेरे पास ये पुराना मेरे जो काले मुर्गी मुर्गियाँ थे उनका परा हुआ था चिकन्स का, तो अब इनको यही दाना डालते हैं, देखते हैं ये खाते हैं कि नहीं। और इस मुर्गे के पंख में ना कल से धागा अटका हुआ है और किसी ने खोला भी नहीं है, तो अब इनको दाना डालते हैं और ये सारे खाने शुरू हो गए हैं। थोड़ा और इनको दाना डाल देते हैं, खुश हो जाएंगे, देखिए दाना तो ऑटोमेटिकली गिर रहा है। दाना मैंने इनको डाल दिया, इसी के साथ अपना जो हमारा कल दाना थोड़ा सा ख़राब हो गया था उसको ठीक करने का तरीका मेरे भाई ने बताया था कि इसको धूप में रख दो, ये सुबह से मैंने धूप में रखा हुआ था और अभी काफ़ी हद तक ठीक हो भी गया, तो इसको डालते हैं अब अपने बॉक्सेस में। और तोतों को कल पूरा दिन कुछ भी नहीं डाला, लेकिन मैंने वो सॉफ्ट फूड डाल दिया था जिसकी वजह से ना तोते ठीक हो गए थे। और हाँ, मुझे फ्लू लगा हुआ है यार, मेडिसिन तो खाई है, बाकी देखते हैं। तो दाना मैंने उठा दिया, चलते हैं अब अपने पैरेट्स की तरफ। पैरेट्स हमारे माशाल्लाह ठीक है, हैप्पी हैं, 32 टेम्परेचर है, और मैं जैसे आता हूँ ये इधर उधर हो जाते हैं, डर जाते हैं, इनका काम ही यही है, देखें कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, एक दूसरे का खेलने में मसरूफ़ है, लेकिन बेसिकली ये डर ज़्यादा जल्दी जाते हैं क्योंकि आपको पता नन्नी सी तो जान है ये, और नन्नी सी जान का काम ही क्या डरना। अभी ये देखिएगा, मैं इनके पास आऊँगा ये भी डर के उधर चले जाएंगे, ये देखें ये तो बात इतना सा टाइम है और मतलब भागना था इन्होंने, दाना पहले ही मैंने इनका चेंज कर दिया, ये देखिए। और अब ये सारे माशाल्लाह खा भी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और ये मैंने इनका एक ना छोटा सा इनको जंगल का माहौल देने के लिए लगाया हुआ है, दरख्त की टहनी ला कर ना ये गमले के अंदर लगाई हुई है ताकि इनको थोड़ा सा फील होता रहे कि हाँ जी हम जंगल में हैं। वैसे आँख इन्होंने पिंजरे में खोली होती है तो इनको क्या जंगल का पता क्या, लेकिन फिर भी ग्रीनरी तो इनको अच्छी लगती ही होगी, तो इसलिए मैंने ग्रीनरी भी यहाँ पे ला के रखी हुई है ताकि ये इसको देख के खुश होते रहें। और देखें कैसे आके खा रहे हैं, जो नहीं डरता वो आके बैठ जाता है और जो डरते हैं वो साइड पे देखें ऊपर भी चिपके हुए हैं। पानी मैं इनका ले आया हूँ, इनको पानी डालता हूँ, देखूँ पीते हैं कि नहीं पीते हैं। इसी के मैं सोच रहा हूँ मैं ना कुछ फैंसी पिजन्स भी लेके आऊँ, क्योंकि मुझे फैंसी पिजन्स का बहुत शौक है, खूबसूरती का बेसिकली आशिक हूँ मैं, तो इसी वजह से। बाकी ये पौधे हमारे ठीक जा रहे हैं, ये सनफ्लावर मैंने उतार दिया था क्योंकि वो बेचारा मुरझा गया था, तो ये पता नहीं कौन सा पौधा है, आप मुझे बताइएगा ये फूल कौन सा है। और ये भी ये तो मैंने काफ़ी देर से ला के रखे हैं, मैंने तो कोई फूल ही नहीं आते, और ये पता नहीं कैसे लग गए हैं। ये मैं सोच रहा हूँ कि अपने ना तोतों की एवरी के अंदर एक दो दिन रख दूँ ताकि वो इस रात खेलें, खुश हों, खाएं पिएं, मौजें करें। एक मुरझा गया, बाकी कुछ निकल रहे हैं, यही सब कुछ है। वेल, इसी के साथ मुझे बताएं कौन सा फैंसी पिजन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि फैंसी पिजन्स ला के रखूँ, और फैंसी पिजन्स के साथ साथ मुझे फिशेस का भी शौक है, तो मेरे माइंड में दो तीन चीज़ें तो हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, जो भी लेके आएंगे फिर आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और मल्लेदारों के मुर्गियों के लिए दुआ करें कि वो हमारे घर आके अंडा दिया करें। मजाक कर रहा हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़।